हाय, दिस इज मियां अहसन। आज हम बात करेंगे इलस्ट्रेटर में टेक्स्ट टूल किस तरह से काम करता है। सो लेट्स स्टार्ट। फाइल मेन्यू, न्यू, एक न्यू टेम्पलेट में सेलेक्ट कर रहा हूँ अपने पास में। अगर आप जानना चाहते हैं कि न्यू फाइल बनाने की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और किस तरह से इसको डील किया जाता है इस मेन्यू को, तो आप यूट्यूब पर मौजूद मेरे कोर्स को फॉलो कर सकते हैं आईसी ट्रेनिंग के प्लेटफॉर्म से। सो लेट्स स्टार्ट। मैं एक A4 शीट मैंने अपने पास में सिलेक्ट की है, लैंडस्केप में हार्ड बोर्ड को एक्टिव कर लिया। टेक्स्ट टूल हमारे पास में टूल बार में मौजूद है, टी इसकी शॉर्टकट की है। यू क्लिक एंड होल्ड फॉर लेस देन 3 सेकेंड्स तो पूरा मेन्यू आपके सामने पॉपअप कर जाएगा। इस स्लाइडर पर क्लिक करके आप इस पैलेट को फ्लोटिंग बना सकते हैं और अपने सामने जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। टेक्स्ट टूल दो तरह से काम करता है, एक है पॉइंट टेक्स्ट और एक एरिया टेक्स्ट। सो हाउ द पॉइंट टेक्स्ट वर्क, हम ये पहले बात करेंगे। क्लिक टू टाइप, ये पॉइंट टेक्स्ट कहलाता है। इस वक्त में लॉरम एप्सम लिखा गया है। लॉरम एप्सम एक डमी टेक्स्ट है। ये टेक्स्ट के डिजाइन और स्टाइल को समझने के लिए हाईलाइट होता है। हम क्लिक किया और हम सिंपली यहाँ पे टाइप कर सकते, लर्न इलस्ट्रेटर विद एसएन एंड आईसीटी ट्रेनिंग्स फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉल 0321349131। टेक्स्ट जो है वो लिखा जा रहा है। कुछ प्रॉपर्टीज आपके पास में ऊपर पैलेट में पॉपुलर लेट होंगी, जिसमें फाउंट फैमिली, फाउंट स्टाइल, फाउंट साइज और उसकी अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइन है, राइट अलाइन है। इन्हीं मेन्यूज को फर्दर मोर कंट्रोल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मुझे देखने को मिलती है। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा फाउंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये फाउंट्स डिपेंड कर रहे हैं आपके पास में विंडोज़ का कौन सा वर्जन है, कौन कौन से सब सॉफ्टवेयर मौजूद हैं और आपने खुद से कितने फाउंट्स जो है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल किए हैं। आपके पास ये लिस्ट हो सकता है वेरी कर रही हूँ मेरी एग्जिस्टिंग लिस्ट से, तो उसके लिए वरीड होने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं रिबोटो फाउंट ले रहा हूँ, यू कैन फाइंड इट इजीली इट ऑन इंटरनेट। इसके पास एक काफ़ी अच्छी वैरायटी मौजूद है फाउंट स्टाइल के अतबार से, थिन थिन इटैलिक, लाइट, रेगुलर, मीडियम, जस्ट गो विद द मीडियम। मैं इसका साइज इंक्रीज करना चाह रहा हूँ फाउंट का, क्लिक। अब इसके पास में कोई सेंस मौजूद नहीं है कि आगे आर्ट बोर्ड है नहीं है, ये इसी तरह से एक्सटेंड होता जाएगा। दिस इज नॉन एज पॉइंट टेक्स्ट, लाइन टेक्स्ट। आप क्लिक करते चले जाएंगे, ये अपनी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए एनलार्ज होता जाएगा। इफ आई एम लुकिंग फॉर द नेक्स्ट लाइन तो मुझे क्या करना होगा, मुझे टाइप टूल लेना होगा जहां से मैं नेक्स्ट लाइन में जाना चाहता हूँ। क्लिक करेंगे वहां पे एंड हैव टू प्रेस द एंटर, क्लिक करेंगे एंड हैव टू प्रेस द एंटर। एंटर प्रेस करते चले जाएंगे और कंटेंट जो है वो नेक्स्ट लाइन में जाता चला जाएगा। लिखने के बाद किसी भी टाइम पे आप फाउंट स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली यू कैन डू दैट। आप फाउंट चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी पॉसिबल। फाउंट फैमिली डिसाइड करेगी कि उसके पास में फाउंट स्टाइल्स क्या होंगे। जैसे कि इस वक्त जो मैंने फाउंट सेलेक्ट किया ऑफ लाइट, उसके पास में फाउंट स्टाइल्स जो है वो कम, लाइट है, रेगुलर है, मीडियम है, बोल्ड, सेमी बोल्ड। जैसे कि ओपोनेंट अगर मैंने रोबोटो सेलेक्ट किया था तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा फाउंट स्टाइल जो है मौजूद। इसी तरह आपके पास में अलाइनमेंट मौजूद है, इस फाउंट को हमने किस तरह से डील करना है, सेंटर लाइन, लेफ्ट लाइन, राइट लाइन। सो हम इसी को आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू।